बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। के तो उसके पीछे हल्के अक्षरों में लिखा आता है कुछ, बिल्कुल कुछ वैसा ही हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट पे डाल दें। ये बिल्कुल लाइट कलर में प्रिंटिंग के साथ आएगा। अगर आप चाहें तो कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें इस पर। इसमें आप नो वाटरमार्क का अर्थ है कि किसी भी वाटरमार्क को हटाना हो। पिक्चर वाटरमार्क आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम एक सिलेक्ट पिक्चर करके अप्लाई कर दें, तो देखिए पिक्चर एक वाटरमार्क में आ गई। ये इसका कलर डिम जरूर है, क्योंकि कारण ये है क्योंकि ये वाटरमार्क में है। कस्टम वाटरमार्क पे दोबारा जाएंगे। आप चाहते हैं कि वॉश आउट, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा इसे गाढ़ा करना चाहते हैं, इमेज दिखाई दे, तो वॉश आउट पे ऑप्शन हटा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का इमेज और उभर के आ जाएगी। नॉर्मली जो हम लोग वाटरमार्क लगाते हैं उसमें वॉश आउट रहता है। आप चाहें तो पिक्चर न लगा के टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मैं फॉन्ट की सेटिंग भी कर सकता हूं, उसके साइज की सेटिंग भी कर सकता हूं यहां से, और जो कलर मैं चाहता हूं वो कलर भी ले सकता हूं जो कि वाटरमार्क में दिखाया जाए। ये लेने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन और हैं, डायगनल और हॉरिजॉन्टल। जैसा वाटरमार्क में चाहता हूँ वैसा आ जाएगा। डायगनल पे क्लिक करके मैंने ओके किया है, तो देखिए ISSC वर्ड के नाम से जो वाटरमार्क आ गया। अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा कलर। क्लोज कर दें तो वाटरमार्क आपके पास तैयार है। जितने भी पेज आप बनाएंगे वर्ड में, उन सब पे वाटरमार्क अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरा ऑप्शन पेज कलर का है। आप पेज कलर कोई भी ले सकते हैं इसमें से, जिस भी तरह का पेज कलर चाहते हैं वैसा अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड कलर लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है आपके पास। मोर कलर का ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कस्टम कलर भी ले सकते हैं। जैसा कलर आप लें वैसा अवेलेबल हो जाएगा। पेज कलर में सबसे लास्ट ऑप्शन है फिल इफेक्ट्स का। यहाँ से आप अपने कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट पहला ऑप्शन है वन कलर के साथ, आप चाहें जो कलर उस कलर को डार्क और लाइट कर सकते हैं। देखिए आपके पास शेडिंग स्टाइल्स काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो डिज़ाइन चूज कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो आप यहाँ से किसी भी तरह का ऑप्शन ले ले, जैसा ऑप्शन आपको अच्छा लगे ओके कर दीजिए, वैसा एप्लीकेबल हो जाएगा। पेज कलर में फिल इफेक्ट्स, आप दो कलर अपनी आवश्यकता अनुसार भी ले सकते हैं। इसमें दो कलर आप मिक्स कर सकते हैं, कोई भी दो कलर ले लीजिए आप। फिर से आप उनका शेडिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। प्रीसेट कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कलर पहले से ही वर्ड 2010 में अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप ग्रेडियंट नहीं चाहते तो टेक्सचर में एप्लीकेबल है। टेक्सचर में आप इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्सचर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं आपके पास। जिस भी तरह का आपको चाहिए वैसा लेकर ओके कर दीजिए, वैसा एप्लीकेबल हो जाएगा। फिल इफेक्ट्स, इसके अलावा पैटर्न, पैटर्न में कोई भी दो कलर आप लेके कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। जैसा पैटर्न आपको चाहिए वैसा लेके ओके कर दीजिए, एप्लीकेबल हो जाएगा। फिल इफेक्ट्स में सबसे लास्ट ऑप्शन पिक्चर का है। आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। उसके लिए आप पिक्चर ले लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे वो पिक्चर एप्लीकेबल हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड के रूप में। किसी भी तरह का कलर नहीं चाहते तो आप नो कलर पर क्लिक कर दीजिए, सभी तरह की सेटिंग्स क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से वाटरमार्क अगर आप नहीं चाहते, कस्टम वाटरमार्क पे जैसे पहले बताया है, नो वाटरमार्क क्लिक करके अप्लाई कर दें, वाटरमार्क चला जाएगा। अगला जो इसमें ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर्स का। आप पेज बॉर्डर में आप पूरे पेज के लिए बॉर्डर लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर में देखिए काफ़ी सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं पेज बॉर्डर के लिए। आप जो स्टाइल चाहते हैं वो ले, जो कलर चाहते हैं वैसा कलर ले लीजिए आप। इसके अलावा विड्थ भी सेट कर सकते हैं। किसी बॉर्डर को ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप, और जैसे ही आप ओके करते हैं वो बॉर्डर एप्लीकेबल हो जाता है आपके पेज पे। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सबसे मेन पॉइंट है आर्ट के रूप में आपके पास बॉर्डर उपलब्ध है। आर्ट में काफ़ी सारे अवेलेबल बॉर्डर्स हैं, आप जैसा बॉर्डर चाहें इसमें से ले सकते हैं। जब आप आर्ट लेते हैं तो यहाँ विड्थ ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। विड्थ आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे आप ओके करेंगे उस विड्थ के अकॉर्डिंग आपका बॉर्डर आर्ट वर्क में सेट हो जाएगा। अगर आपको पेज बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, पेज बॉर्डर हट जाएगा वहां से। यदि आप चाहें तो पेज लेआउट में ना केवल पूरे पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बल्कि किसी खास पैराग्राफ का बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने उस पैराग्राफ या उन लाइनों को सिलेक्ट कर ले जहाँ पे आप वो बॉर्डर लगाना चाहते हैं। इसके पश्चात पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करें।
पेज बॉर्डर के साथ ही देखें, यहाँ पे बॉर्डर्स टैब अवेलेबल है जिसमें सेटिंग्स हैं जैसे बॉक्स, शेडो, 3D। यहाँ मैं शेडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस प्रकार की बॉर्डर सेटिंग्स चुनते जाएंगे उस प्रकार का बॉर्डर प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखें यहाँ साथ ही स्टाइल अवेलेबल है जो कि बॉर्डर की लाइन के स्टाइल है। यहाँ जिस प्रकार का मुझे लाइन का स्टाइल चाहिए वो मैं चुन लेता हूँ। जिस प्रकार का मुझे स्टाइल चाहिए वैसा मैं स्टाइल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए वैसा स्टाइल यहाँ प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा। किस प्रकार का बॉर्डर का कलर चाहिए आप कलर में से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही काफी तरह के कलर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से मैं रेड कलर चुन लेता हूँ। उसके पश्चात आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं बॉर्डर की। विड्थ के लिए आपके पास देखिए काफी तरह की विड्थ अवेलेबल है। जैसे यहाँ से मैं 3 पॉइंट वाली विड्थ चूज कर लेता हूँ अर्थात सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। देखिए फाइनल बॉर्डर मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गया है। यदि मैं चाहूँ तो बॉर्डर की कुछ लाइनें ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मुझे टॉप अर्थात ऊपर की लाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करके ऑफ कर सकता हूँ। चाहिए तो फिर से दोबारा क्लिक करके यहीं से वापस ला सकता हूँ। इसी तरह से डाउन के लिए यानी कि नीचे के लिए और यहीं से ऑन ऑफ करके मैं लेफ्ट और राइट की भी लाइनें सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ देखिए ये जो बॉर्डर सिलेक्ट किया है हमने इसके बीच में हम शेडिंग के द्वारा कलर भी भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ कलर भरने के लिए यहाँ मेरे पास शेडिंग टैब अवेलेबल है। जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करता हूँ देखिए मेरे पास कलर भरने के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन फिल के रूप में है। यहाँ मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस प्रकार का कलर मैं पीछे देना चाहता हूँ। मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस प्रकार का कलर आप लेते हैं उस प्रकार का कलर आपके पास प्रीव्यू में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त स्टाइल भी आप चूज कर सकते हैं कि कितने परसेंट वो आपके पास सॉलिड रहे या लाइट रहे कलर में। तो जितना परसेंट कलर आप लाइट या डार्क करना चाहते हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं इसको जैसे ही ओके करता हूं तो जो मेरे पास एरिया या लाइंस या पैराग्राफ सिलेक्टेड है वहां बिल्कुल उसी प्रकार का बॉर्डर आपके पास अवेलेबल हो गया है। साथ ही अंदर शेडिंग का कलर भी अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार मैं बॉर्डर्स के साथ शेडिंग का प्रयोग करके अपने पैराग्राफ्स या लाइनों को सुंदर बना सकता हूँ। नेक्स्ट रूप जो पेज लेआउट टैब में हमारे लिए वो है पैराग्राफ। इसके लिए आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और ध्यान दें इसमें इंडेंटेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप लेफ्ट साइड से इंडेंट सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो राइट साइड से इंडेंट सेट कर सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिंग का। स्पेसिंग के लिए आप बिफोर आफ्टर पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। इस जो मेरा जो टेक्स्ट एरिया जो सिलेक्टेड है उससे पीछे वाला जो पार्ट है वो बिफोर एरिया कहलाता है और उसके बाद वाला पार्ट वो आफ्टर एरिया कहलाएगा। तो मैं बिफोर पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा और घटाऊंगा तो कम हो जाएगा। इसी तरह से आफ्टर के लिए भी ऐसा कर सकता हूँ। इस तरह से मैं स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर सेट कर सकता हूँ। अरेंज वाले सभी ऑप्शन हमने हमारे पास जो पिक्चर था उसके अंदर फॉर्मेट टैब में किए थे। अब अधिक जानकारी के लिए वो वाला सेक्शन दोबारा रिवाइज करें जिसमें पिक्चर जो हेड था उसके अंदर फॉर्मेटिंग टैब के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन हमने किए थे।